फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिगाड़े की ऐसी रेसिपी जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि अगर आप इसे एक बार खा लेंगे तो इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ्रेंड्स 1 किलो सिंगाड़े ले लिए हैं। ये मार्केट में सर्दी के मौसम में आसानी से अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हमने इसे एक कुकर में डाल देना है सारे सिंगाड़ों को, और इसमें हमने 1 गिलास पानी डालना है और इसमें हमने 2 सीटी लगानी है। सीटी आपने लो फ्लेम पर लगानी है, इसमें फुल फ्लेम पर आपने सीटी नहीं लगानी है। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है 1 गिलास करीबन, और उसके बाद आपने इसे ढक्कन बंद करके गैस पर रख देना है और 2 सीटी आने का वेट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसमें 2 सीटी आ चुकी है और इसे हमने निकाल लिया है और ये अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद हमने इसे इसका पानी हमने ड्रेन कर देना है और इसे एक थाली में निकाल देना है हमने, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये एक बार ठंडे हो जाए तब आपने इसे छील लेना है। तो यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं, इसको हम एक एक करके छील लेंगे। ये देखिए, ये आसानी से छिल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इसे छिलने में। ये देखिए, इसको आपने बाहर का पार्ट इस तरीके से निकल जाता है इसका। इसका बाहर का पार्ट थोड़ा सा मोटा होता है और जो अंदर का बीज होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे ये छिल लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सारे छिल लिए हैं और छिलने के बाद आपने इनको छोटे छोटे पीसेस में काटा है। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में आप इन सारों को काट लेंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, आसानी से कट जाते हैं। उसके बाद हमने इसे फिर सीटी लगानी है एक, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड रहते हैं इस समय पे, और जब आपने इसे छिलके और काट के इसे सीटी लगाएंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे ये। तो उसके बाद हमने इसे फिर से कुकर में डालना है सारों को। ये देखिए, इस तरीके से सारे हम फिर से एक बार कुकर में डाल देंगे और इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसमें ढक्कन लगाकर हम इसे 2 सीटी आने का वेट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 सीटी आ चुकी थी इसमें और ये हमारे पक चुके हैं, ये देखिए। उसके बाद हमने इसमें जो लैडल होता है, लैडल से इसे प्रेस कर लेना है। इसका एक जैसे हलवा होता है वैसे ही बनाना है हमने। अगर लैडल से नहीं हो पा रहा है तो आप मैशर ले लीजिए, मैशर से आप इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैशर ले लिया है, अब मैशर से हम इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ये अच्छे से मैश हो जाते हैं और एकदम जैसे हलवा होता है फ्रेंड्स उसी फॉर्म में आ जाता है ये। तो यहाँ देखिए, ये हमने अच्छे से मैश कर दिया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बस उसके बाद हमने फ्रेंड्स इसमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ले लिए, उनको हमने बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए, उनको भी बारीक काट लिया है। 11 स्लाइस ले लिए, 2 से 3 हरी मिर्च ले लिए और धनिया ले लिया है। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, जो कढ़ाई हमने ली है फ्रेंड्स लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ही बहुत बेहतरीन बनता है ये। और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी ले लिया है। ये घी में या मक्खन में ही बनता है, ऑयल में नहीं बनता है ये। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हमने इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देना है, और जब हमारा जीरा अच्छे से तड़क जाए तब हमने इसमें प्याज डालनी है। और थोड़ा प्याज हमने यहाँ पर बचा लिया है बाद में गार्निशिंग के लिए। और प्याज को हमने अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता और इसमें हल्का हल्का कलर नहीं आ जाता तब तक हमने प्याज को अच्छी तरीके से भूनना है। फ्रेंड्स, जो ये रेसिपी है ये उधम सिंह नगर के जसपुर की बहुत ही फेमस रेसिपी है, स्ट्रीट फूड है ये। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देना है, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए आप। नमक डालने से फ्रेंड्स जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से एकदम से गल जाएंगे। तो इसको इसी तरीके से चलाते रहें और टमाटर के गलने का वेट करें। 2 से 3 मिनट में टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाते हैं। ये देखिए, इसको इसी तरीके से चलाते रहें फ्रेंड्स। एक बार आप इसे घर में बना के जरूर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पर हम टमाटर हमारे गल चुके हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा 1 चम्मच हरी मिर्च डाल देंगे काटी हुई, और इसको भी इसके साथ मिला लेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर प्याज अच्छे से हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसमें जो हमने कचरी बनाई हुई है इसकी, इसको फ्रेंड्स सिंगाड़े की कचरी कहते हैं, मैं आपको इसका नाम बताना भूल गया था। और इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है, ये देखिए, और इसको तो आपने चलाते रहना है। आप इसे जितना चलाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये।
फ्रेंड्स लोग इसे कढ़ाई में नहीं बनाते, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि ये हल्की हल्की काली हो जाती है, नॉन स्टिक में ज़्यादा बनाते हैं, पर जो इसको खाने का मज़ा है वो कढ़ाई में ही है। ये देखिए ये काली हो गई है, नॉन स्टिक में काली नहीं होती है, पर लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और इसे आप इसके साथ अच्छी तरीके से भूनते रहें। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसे फिर से हम इस तरीके से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारा, हमने इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसमें भून रखा है, जो कचरी थी हमारी सिंगाड़े की। ये देखिए इसको हमने अच्छे से चला लिया है और ये जो सिंगाड़े की कचरी हमारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल जो प्लेट्स आती है वही ली है। इसमें आप इसको डालिए पहले, सबसे पहले, और उसके बाद हम इसमें ऊपर से थोड़े से टमाटर डालेंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़े से प्याज डालेंगे इसमें ऊपर से। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें और एकदम चाट की तरह लगती है ये। थोड़ी सी हम हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और एक नींबू का स्लाइस हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी सिंगाड़े की एकदम हेल्दी चाट। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।